टीवी जगत के जाने माने अभिनेता राजेश शर्मा, जो कि हिट टीवी सिटकॉम सारा भाई वर्सेस सारा भाई के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बीच में कुछ समय के लिए एक्टिंग को छोड़ दिया था। राजेश ने एक्टिंग को छोड़ किसानी करना शुरू कर दिया था। इसी बीच राजेश ने बताया कि उन्होंने जब खेती करनी शुरू की थी तो शुरुआत में वे कंगाल हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने खेती की बारीकियों को समझा और अब वे एक सफल किसान हैं। राजेश ने अपने किसान बनने के अनुभव के बारे में हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताते हुए कहा कि मुझे लगा कि मैं एक अभिनेता के रूप में ग्रो नहीं कर पा रहा था, लेकिन खेती की दुनिया में मैं एक खाली कैनवास वाले चित्रकार की तरह था। इस तरह मैंने शुरुआत की। मैंने खेती पर 5 साल तक लगातार काम किया, लेकिन शुरुआत में मेरा काफी नुकसान हुआ। प्रकृति मेरे साथ खेलती रही। मैंने 20 एकड़ जमीन पर 15,000 पेड़ लगाए और बाढ़ के कारण वो बह गए। 4 साल बीत गए और फिर महामारी आ गई। आर्थिक रूप से मैं ढलान पर था। लॉकडाउन के कारण मैंने अपनी सेविंग्स भी खत्म कर ली थी और सचमुच में कंगाल हो गया था। मेरी जेब में कुछ भी नहीं था। मेरे ऊपर भारी कर्ज था और इससे दबाव बढ़ रहा था। आर्थिक रूप से घाटे में जाने के बाद राजेश ने खेती में की गई अपनी गलतियां सीखी और आगे बढ़े। राजेश ने कहा कि जिस दिन आप अपने बारे में सोचना बंद कर देंगे, उसी दिन आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। यह एक पूरा सर्कल है। अगर आप कुछ सार्थक करना चाहते हैं तो आपको खुद से कुछ अलग सोचना होगा। राजेश ने यह भी बताया कि जब उन्होंने किसान बनने का फैसला लिया तो उनके बड़े बेटे ने उनसे पूछा कि आप किसान क्यों बनना चाहते हो, किसान तो गरीब होता है। राजेश ने कहा, तब मैंने उसे पूछा कि किसने कहा किसान गरीब होता है, तो मेरे बेटे ने कहा कि हिंदी किताबों में तो हमेशा एक गरीब और असहाय किसान का ही वर्णन किया जाता है। तो मैंने कहा कि बेटा यही तो धारणा चेंज करनी है। हमारे एजुकेशन में ही गलती है कि आप हमेशा गरीब किसान पर ही कहानी बनाते हो। राजेश ने कहा कि अब उन्हें काफी गर्व होता है कि उनके बच्चे उन्हें अभिनेता और किसान कहते हैं। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।